करेंगे जयपुर के होटल रामबाग में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत 8 राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर मंथन हुआ। कई राज्यों ने अमित शाह के सामने अपनी बात रखी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री गहलोत ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग को एक बार फिर से रखा। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान से पूर्णकालिक सदस्य का पद सृजित करने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने ERCP का जिक्र करते हुए कहा कि ये 37,247 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे राजस्थान के 13 जिले झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, इसके अलावा अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर को लाभ होगा। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को लगातार केंद्र सरकार के सामने उठाया है। मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। उन्होंने सहकारी समितियों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को अधिक अधिकार देने की वकालत भी की। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को बड़ी सौगात भी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। तो जयपुर में अहम मंथन, होटल रामबाग में बैठक हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन इसमें सबसे पहले रहा। राजस्थान के विभिन्न मुद्दे उन्होंने अमित शाह के समक्ष रखे, चूंकि राज्यवार और केंद्रवार ये 30वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, महत्वपूर्ण दिन रहा उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक और राजस्थान में जयपुर को मेजबानी का अवसर मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कई एजेंडे इस बैठक में रहे। नरेश जी, क्या महत्वपूर्ण बातें जो कि राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने अमित शाह के समक्ष रखी? देखिए जयती, जो 3.5 घंटे की ये जो बैठक चली है 8 राज्यों की इस काउंसिल की, उसमें अगर हम राजस्थान के लिहाज से बात कर ले तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संबोधित करने का मौका मिला था और उन्होंने अपने जो पूरा प्रेजेंटेशन था उसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर ले तो किस तरह से राजस्थान की बात है इस काउंसिल में रखी गई। सबसे पहले जो 14 एजेंडे तय किए गए थे, उन 14 एजेंडों के तहत मुख्यमंत्री ने राजस्थान में किस तरह से काम हुआ है उसको लेकर पूरी बात रखी। अगर 14 एजेंडों की बात करें तो एक तो राजस्थान से जो भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड है उसमें सदस्य की नियुक्ति का मामला था, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है और बलात्कार के मामलों की शीघ्र जांच है इसका मुद्दा था, जिसमें राजस्थान में किस तरह से कार्रवाई होती है इसकी जानकारी दी गई। बलात्कार और जो पॉक्सो अधिनियम के मामले हैं उनके निस्तारण के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट राजस्थान में बनी है, जिसमें राजस्थान अव्वल है, उसके बारे में राजस्थान की रिपोर्ट क्या है ये जानकारी रही। बैंक शाखा और जो डाक बैंकिंग सुविधा है उसमें किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, सामाजिक क्षेत्र की जो योजनाओं के लिए जो अपन DBT की लगातार बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ जो स्थानांतरण हो उसमें किस तरह से उसको लागू किया जा सके इसका मुद्दा इसमें रहा। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसको 2001 की बजाय 2011 की जनगणना के अनुसार उस स्कीम को लागू किया जाए, ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाई। और इसके अलावा जो साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पहल करने की ज़रूरत बताई, खासकर जो सिम कार्ड जारी किए जाते हैं या जो बैंक खाते खोले जाते हैं उसके लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि साइबर क्राइम ना हो, ये पहला पार्ट था जिसमें 14 पॉइंट के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात कही। उसके बाद जो सरकार की गहलोत सरकार की जो नवाचार हुए हैं, जो योजनाएं हुई हैं, 6 पॉइंट में मुख्यमंत्री ने पूरी बातें की। अगर हम इनकी बात करें तो चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना हो, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो राजस्थान में शुरुआत हुई है अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की, साथ में इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार योजना जो लागू की गई है जिसमें शहरी क्षेत्र में भी रोजगार दिया जाएगा, इंदिरा रसाई योजना और IM शक्ति उड़ान योजना, ये वो योजना है जो नवाचार रहे हैं गहलोत सरकार की, जिसकी जानकारी इस बैठक में दी गई। लेकिन जो तीसरा और अहम बिंदु है जिसमें एक है कि 5 प्रमुख मांगे मुख्यमंत्री ने आज इस काउंसिल में उठाई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की, ये 5 जो मांगे हैं वो राजस्थान से जुड़ी है और जो सबसे चर्चित है वो है ERCP। ERCP को लेके बिल्कुल लिखित में भी मुख्यमंत्री ने दिया है, अपने भाषण में भी बात कही है कि ERCP जो है इसको पूरा किया जाए। 13 जिलों का मामला है
और 13 जिलों को जो पेयजल और सिंचाई की जो सुविधा इसे मिलनी चाहिए वो देनी चाहिए। इसके अलावा जल जीवन मिशन जो है इसको लेके इसका जो पैटर्न है, जो फाइनेंशियल जो सहायता दी जाती है केंद्र के द्वारा, उसका पैटर्न बदलने की मांग की कि इसको 90:10 में किया जाना चाहिए। और साथ में चूंकि जल जीवन मिशन को फिलहाल 2024 तक के लिए लागू किया है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि इसको 2 साल बढ़ाया जाए, यानी 31 मार्च 2026 तक की योजना रहे, क्योंकि राजस्थान में अभी काम कम हुआ है तो उसके कारण प्रतिकूल परिस्थितियों का हवाला दिया गया, तो इस काम को बढ़ाया जा सके। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी है उसकी सीमा में भी वृद्धि करने की मांग उठाई है। साथ में जो GST का मुआवजा है उसका, उस मुआवजे राशि को तय समय पर राजस्थान को मिले, अन्य प्रदेशों को मिले, ये मुद्दा है मुख्यमंत्री उठाया। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी आह्वान जो किया है, इसके लिए कानून बनाया जाए, कार्रवाई की जाए, क्योंकि राजस्थान में इन जो क्रेडिट ये सोसाइटी है इनसे पीड़ित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगातार मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बयान दिया है, पिछले दिनों इन जो पीड़ित लोग थे वो मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे, तो जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि ऐसे सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मल्टी स्टेट सोसाइटी है उन पर केंद्र ही कानून बना के कार्रवाई कर सकता है। तो 5 प्रमुख जो डिमांड है वो मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग में रखी, गृहमंत्री अमित शाह के सामने अपने सरकार की जो योजना है, 5 प्रमुख योजना उनके बारे में बताया, और 14 पॉइंट के माध्यम से जो है किस तरह से राजस्थान में काम हुआ है उसकी जानकारी इस बैठक में दी गई। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब मुख्यमंत्री का इसमें भाषण शुरू हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो आबे जिनकी हत्या कर दी गई थी उनको श्रद्धांजलि दी, साथ में जो अमरनाथ में जो बादल फटने की घटना हुई है उसके लिए भी उन्होंने जो जिन लोगों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि दी, और साथ में ये भी कहा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इससे पहले ये जो काउंसिल की मीटिंग है ये 20 सितंबर 2019 को चंडीगढ़ में हुई थी, और तब मुख्यमंत्री ने अमित शाह से ये निवेदन किया था कि अगली जो बैठक है वो जयपुर में की जाए राजस्थान। बिल्कुल नरेश जी, आपको फिलहाल रुकना चाहेंगे, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर